नमस्कार, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा सेकंड ब्लॉग बनने जा रहा है, तो आज हम आपको इन पेशेंट से मिलवाएंगे। पेशेंट बताएंगे कहाँ से आए हैं और किन बीमारी को लेकर के आए हैं, और फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगी इसी वीडियो के लास्ट में। गुड़िया बताएगी अपनी प्रॉब्लम और फिर आपको घर बैठे सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो ये फिटनेस ब्लॉग है, लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि इस पुण्य के काम में आप भी भागीदार बने। और ये लोगों की हेल्प के लिए ही चैनल बनाया गया है, और जब घर बैठे आप ठीक हो जाएंगे तो फिर आपको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरी इन बताई हुई टिप्स से आराम ना आए या कम आराम आए तो फिर आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं, नहीं तो हम आपको ऐसी चीज बताएंगे जो आप घर बैठे ही अपनी काफी हद तक ठीक कर लोगे। बताओ बेटा, कहाँ से आए हो, क्या क्या दिक्कत है? मैं पानीपत से आई हूँ, पानीपत मॉडल टाउन से। एक्चुअली मेरे को ना जुकाम अंदर ही गिरता था, तो बलगम बहुत ज्यादा आती है। सुबह सुबह जैसे उठते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा ही बलगम आती है, जोर लगता है, खांसी आती है, सारा दिन परेशान रहती हूँ। मतलब इसकी वजह से मेरे कान के पर्दे में भी इफेक्ट हो गया था। मुझे 5-6 साल हो गए दवाइयाँ करते हुए, मुझे अभी तक कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। मतलब दवाई लेते हैं, 2-3 महीने करती हूँ, दवाई लेते हैं तो ठीक रहता है, उसके बाद फिर वैसे का वैसे ही हो जाता है। तो मैंने इंस्टा पे ही मैम का पेज देखा था, और 1 साल हो गया मुझे पेज देखे। मैंने काफी, जैसे मुझे सर्वाइकल पेन होता था तो मैंने उसकी थेरेपी वगैरह करके देखी, तो मतलब इंस्टेंट रिलीफ होता था। मेरे काफी टाइम से था कि मैंने मैम के पास ही जाके एक बार ठीक होना है। अब तो अब मैंने टाइम निकाला है और अब मैम के पास आई हूँ, और अब मुझे पक्का विश्वास है मैं यहाँ से ठीक होकर ही जाऊंगी। थैंक यू बेटा। देखो, 1 साल से मेरी वीडियो फॉलो कर रहे थे, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल पे सर्वाइकल और माइग्रेन से रिलेटेड वीडियो भी डाली हुई है कि अगर आपको पैनिक अटैक आया है माइग्रेन का या सर्वाइकल का, तो आप इंस्टेंट घर पे ही ठीक हो सकते हैं। कोई भी 7 साल का बच्चा आपकी थेरेपी कर देगा, उससे ऊपर किसी भी उम्र के से करवा लो, उसी से रिजल्ट मिलेंगे। और करके देखना, कमेंट करके जरूर बताना जिस जिसको आराम मिले। तो सारी वीडियो देखने लायक होती हैं, कोई यूं नहीं है कि ये प्रोफेशनल तरीके से बनाई जाती हैं या भाई कुछ इनकम चाहिए मुझे इससे, बिल्कुल नहीं चाहिए। परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है, और बस ये आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है चैनल, और फिटनेस से रिलेटेड ही वीडियो आएंगी, कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं डाली जाएगी इसके ऊपर, चाहे व्लॉग के माध्यम से आए, चाहे वीडियो के माध्यम से आए या शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आए। तो अब मैं गुड़िया का घर के लिए बताऊंगी। इसके पेरेंट्स बैठे हैं अपने थेरेपी रूम में, थेरेपी मैंने इनको दे दी है। इनको ब्रोंकाइटिस अस्थमा डिक्लेयर हुआ है, और ब्रोंकाइटिस अस्थमा की वजह से ये मेरे पास आई है, और इसको ड्राई कफ भी बोला जाता है, और एलर्जी भी इसका नाम है। तो हम इन, चाहे रीजन जो भी हो, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, मैं इनके केवल और केवल 15 सिटिंग दूंगी, और ये वीकेंड पे ही मेरे पास आएंगी, क्योंकि वर्किंग है, जॉब करती है। तो आज संडे था, मेरे पास आई। तो देखिए, अब मैं इनका इनका तो बताऊंगी ही बताऊंगी, और इनके माध्यम से आपको भी हेल्प मिलेगी कि घर बैठे अगर किसी को ड्राई कफ की प्रॉब्लम है, नोज ब्लॉक रहती है, या कफ अंदर टपकता है, छाती जाम है, तो आप अपने बच्चों के ऊपर ये टेक्निक अप्लाई करना और देखना फिर कैसे रिजल्ट मिलेंगे। चलो बेटा, अब मैं आपके शरीर पे करके दिखाऊंगी ताकि औरों को भी हेल्प मिले, और घर पे आपकी मम्मी पापा या बहन कोई भी करेगा। सिर्फ सिंपल हैंड फोल्ड करना सिखाऊंगी, ना कोई दवाई लेनी, कुछ भी नहीं लेना, दवाइयों से छुटकारा ही हमारे सेंटर का एम है। तो अभी देखना, आप लेटो, गुड़िया का कौन करेगा घर पे, जिसको करना है वो आ जाए मेरे पास, ताकि गलती की गुंजाइश ही ना बचे। जैसे बताऊंगी वैसे करना है। बेटे लेफ्ट साइड की करवट लेके लेटा करो, लेफ्ट साइड की लेके उठा करो, ठीक है? क्योंकि ओवरी और यूट्रस को अगर हमेशा हेल्दी वेल्दी रखना है तो ये नियम बना लो। और ये केवल लड़कियों पे अप्लाई नहीं होता, लड़कों पे भी होता है। आजकल लड़कों में हाइड्रोसील, वेरिकोसील और ये माइक्रोसील की समस्या चली हुई है। ये इसीलिए चलती है कि उठते बैठते टाइम सीधा झटका मारते हैं और नलों में खिंचाव आता है, फिर डॉक्टर उसको मेडिकल लैंग्वेज में कुछ भी बोल देगा और आपकी सर्जरी बोल देते हैं। तो सर्जरी सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस लेनी है और सावधानी रखनी है। हमारी बड़ी बुजुर्ग दादी नानी बताया करती कि बेटा लड़की की जात है, लेफ्ट साइड की करवट लेके उठा कर, लेफ्ट की लेके बैठा कर, कहा करती ना आंटी आप तो समझदार है, पता है आपको। तो उनकी बातों में रहस्य छुपा हुआ था और काफी साइंस थी। तो देखो, गुड़िया का ये लेफ्ट हैंड पकड़ेंगे हम पहले। अब मैं इनको घर के लिए सिखा रही हूँ, आंटी जी सीखेंगी, और ये 90 डिग्री के एंगल पे रखना है, और ये न्यूरोथेरेपी का हैंड फोल्ड ट्रीटमेंट है। और यहाँ पे जो ये लिम्फ नोड ब्लॉक हो गए हैं गुड़िया के, और यहाँ चेस्ट में हाथ लगाते ही काफी पेन है ना बेटा, दर्द, टच करते ही दर्द है काफी। तो ड्राई कफ की वजह से, खांसी की वजह से ये चेस्ट मसल्स बिल्कुल कंजक्टेड हो गई हैं,
सिकुड़ गई हैं, स्टिफ हो गई हैं, तो हमें इनको खोलना है और ऑक्सीजन मेंटेन करनी है। और यहाँ से जो एडोनॉइड टाइप हो गया है, यहाँ पे ये देखो सारी सूजन है कान के आसपास, ये सब अंदर से खत्म कर दूंगी मैं, और जिएंगी तब तक अस्थमा नहीं होगा, ये मेरी फुल गारंटी है। तो बिना दवाई के अगर आप भी इलाज लेना चाहते हैं तो हमारे सेंटर की विजिट करो और मेरी वीडियो फॉलो जरूर किया करो। सेंटर की विजिट तो बाद में करनी है, पहले वीडियो फॉलो करो, क्या पता आप मेरे पास आने से पहले ही ठीक हो जाए। तो देखिए अब हम इसके फेफड़ों को एक्टिवेट करने के लिए और खांसी को तुरंत बंद करने के लिए, बंद नाक को खोलने के लिए और छाती के दर्द को निकालने के लिए ये टेक्निक सिखा रही हूँ। बहुत यूजफुल टेक्निक है, किसी भी उम्र के पेशेंट के ऊपर आप अप्लाई करना, तुरंत एक जैसे रिजल्ट मिलेंगे। लेफ्ट हैंड को पहले करना है, हाथ रखेंगे ऐसे और फिर यहाँ से एल्बो से ऊपर सेंटर पॉइंट को पकड़ना है और इन मसल्स को ऊपर की तरफ हमें ऐसे ट्विस्ट करना है। बस प्रेशर इतना ही डालना जितना पेशेंट सहन करे, लेकिन आपको यहाँ से टाइट दबाना है ताकि ब्लड वेजल्स लॉक हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन पूरा रुक जाए। अब 1.5 मिनट तक यहाँ पे रोक के रखेंगे, 1.5 मिनट के बाद गुड़िया का हाथ सुन्न हो जाएगा क्योंकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन रोक लिया। और जब ये 1.5 मिनट हो जाए यानी 90 सेकेंड, तो इसके बाद फिर हमें क्या करना है, यहां से अपने अंगूठे के नीचे से इस नाड़ी को ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है और फिर हाथ को सीधा करना है और अंडर आर्म के नीचे से इन मसल्स को टाइट स्ट्रेच करते हुए कलाई के पास छोड़ के आना है। और ऐसा हम 10 से 12 बार करेंगे। एक जैसा प्रेशर रखना, पाउडर भी लगा सकते हैं आप या फिर पूरी बाजू का कपड़ा डाल लियो बेटा, ताकि 12 बार रगड़ने से यहाँ रैशेज ना पड़े, ठीक है, या फिर लोशन लगा लेना। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, इसी हाथ को अपनी साइड यानी कि अंदर की तरफ ऐसे ट्विस्ट कराना है और प्रेशर हम उतना ही डालेंगे जितना पेशेंट सहन करे, और अपने अंगूठे की और इन उंगलियों की ग्रिप थोड़ी टाइट रखें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बंद रहे। सेम 1.5 मिनट तक हम अंदर की तरफ ट्विस्ट करके होल्ड करेंगे और 1.5 मिनट के बाद सेम वैसे ही अब हमें बाहर वाली यानी कि जो मेरी फिंगर के नीचे नर्व है उसको और मसल्स को यूं स्ट्रेच करके हुए अंदर की तरफ आना है ये, और फिर हाथ को उल्टा रखेंगे और यहां से स्ट्रेच करते हुए वही 10 से 12 बार कलाई के पास लेकर के आएंगे। जब हम इस काम को करेंगे तो यहाँ छाती की घबराहट, एंग्जाइटी, स्टिफनेस सब कुछ दूर होगा, और हार्ट पेशेंट के ऊपर तो जबरदस्त काम करती है ये। अब उस ये हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ, एक बार ऊपर की तरफ हाथ को हमने ट्विस्ट किया फिर अंदर की तरफ, ये एक सेट हो गया। ऐसा आपको 3 सेट करने हैं इस हाथ में। देखिए मैंने अब गुड़िया का भी आपको बताया कि कैसे लेफ्ट हैंड को फोल्ड करना है, 3 सेट करने हैं और सेम राइट साइड भी करना है। और ये इतना करने के बाद फिर आपको सावधानी क्या रखनी है, रात को सोते टाइम ऐसे बच्चे को या ऐसे पेशेंट को 1 गिलास पानी ले लेना और उसमें थोड़ा अदरक कूट के डालना है, 2 से 3 लौंग कूट के डालें, स्वाद अनुसार उसमें गुड़ डाल दें, और जब वो आधा रह जाए ना तब उसको छान के गरम गरम सिप सिप करके बच्चा पी ले और मुंह के ऊपर कपड़ा ढक ले बेटा, बाहर की हवा ना लगे। वो क्या करेगा, सुबह तक आपके सारे कफ को बाहर निकाल देगा और जब आप उठोगे नॉर्मल पानी पियोगे तो बाहर आ जाएगा सारा, ठीक है। तो ये सावधानी रखनी है। अब इन बेंजी से मिलवाएंगे, ये हमारे पास तो शाम से आई है और इनको आर्थराइटिस है। कितने साल पुराना है बेंजी? कई साल पुराना है। फिर भी कितने साल? 10-11 साल पुराना है। 10 साल पुराना। दवाइयां खाई? हाँ जी। सूजन दिखाना एक बार अपने पैरों की। ये देखिए इन बेंजी के पैरों की सूजन देखें आप, और आज इनकी हमारे पास फर्स्ट सिटिंग है। पहले ये मेरे फ्री न्यूरोथेरेपी कैंप में आई थी एक दिन, तो इनको अच्छा लगा तो आज इनका आना हुआ मेरे पास। तो हमने इनको बोला है कि हम 15 सिटिंग देंगे आपको, लगातार आना है 15 दिन, और ये सारी सूजन कम कर दूंगी। ये हाथों में भी सूजन है काफी। मुट्ठी बंद होती है आपकी? नहीं होती ना। ये देखिए मुट्ठी बिल्कुल भी बंद नहीं होती है। तो अगर आप भी इतनी दवाइयां और स्टेरॉइड्स खा खा के थक चुके हैं और परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, और आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, मेरी एक बार मेरी बात पे विश्वास कर लो, मैं आपकी फुल गारंटी लेती हूँ कि मैं आपको पक्का ठीक करके भेजूंगी। ना आयुर्वेद में जाना, ना एलोपैथी में जाना, ना किसी के बहकावे में आना, ना कोई स्टेरॉइड्स खानी, ना कोई पाउडर पीना, ना कोई मल्टीविटामिन खानी। ये मेरा दावा है आपसे, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के 15 दिन मुझे दे दो, 15 दिन में आपकी लाइफ बदल जाएगी और 15 साल और एक्स्ट्रा जियोगे पेन फ्री। तो इतनी गारंटी ले रही हूं तो कुछ तो है ना मेरे पास।
तो फिर आप अपना समय वेस्ट ना करें, ना अपना पैसा बर्बाद करें, सीधे मेरे सेंटर की विजिट करें और स्वास्थ्य लाभ लें। हर बीमारी का इलाज है और अपने रोहतक में तो शाम से, पानीपत से, दूसरे देश से भी लोग आते हैं और मेरी YouTube पे वीडियो डली हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं कैसी कैसी बीमारियां हमने बिना दवाई के ठीक की है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट व्लॉग आप किस बीमारी के लिए चाहते हैं। थैंक यू।